नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। और आज दंगल आ चुका है दिल्ली के रामलीला मैदान में। जी हां, यही वो ऐतिहासिक रामलीला मैदान है जहां से एक राजनीतिक पार्टी निकली और फिर उसने दिल्ली में सरकार बना ली। यही वो रामलीला मैदान है जहां कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक रैली की और दिल्ली के दंगल में बीजेपी के लिए चुनावी ताल ठोक डाली। तो आज इस रामलीला मैदान से दिल्ली की जनता के बीच हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने वाले हैं। बीजेपी कह रही है कि आएगा तो मोदी। ममता बनर्जी कहती है कि मोदी तो एक्सपायरी डेट वाले पीएम हैं, अब तो हमारा दूसरा पीएम आएगा, उसी से बात करेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीएम तो गठबंधन का ही बनेगा, लेकिन कौन बनेगा पीएम, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो आज यहां रामलीला मैदान से इस बहस की शुरुआत करेंगे। उसके पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक संवाददाता मनोज्ञा लोहिवाल के साथ पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आपको सबसे पहले वो बातचीत सुनवाते हैं, फिर बताएंगे विपक्ष कैसे हमले कर रहा है, और मिलवाएंगे यहां रामलीला मैदान में आज के दंगल में मेहमान कौन कौन से हैं, उन सबसे भी। 2014 में हम जब चुनाव लड़ रहे थे तब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी, एनडीए चुनाव लड़ रहा था, मैं खुद नेतृत्व कर रहा था। लेकिन 2000 का चुनाव न मोदी लड़ रहा, न बीजेपी लड़ रही है, न एनडीए लड़ रहा है, ये चुनाव देश की जनता लड़ रही है। फिर एक बार मोदी सरकार इसके लिए लड़ रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आपको कहा है कि आपकी सरकार का जाने का समय आ गया है, आपके खिलाफ वोट करें, मोदी हटाओ, पूरा विपक्ष एक ओर है। उनका किसी का भी, मैं किसी व्यक्ति की चर्चा करना नहीं चाहता हूं, वो डे वन से उनके पास एक ही काम है, मोदी हटाओ। मेरे पास ढेर सारे काम है, आतंकवादी हटाओ, गरीबी हटाओ, भ्रष्टाचार हटाओ, देश के सामान्य मानवी की मुसीबतें हटाओ। तो मुझे जो हटाना है उसके लिए मैं काम कर रहा हूं, उनको जो हटाना है उसके लिए वो काम कर रहे हैं। डर है क्योंकि दिल्ली का रास्ता तो यूपी होकर जाता है, या क्या इस बार बंगाल होकर जाए? हिंदुस्तान के हर कोने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत समर्थन मिल रहा है। देश की जनता स्थिर सरकार का महत्व समझती है, मजबूत सरकार का महत्व समझती है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की जो साख बनी है उसका महत्व समझती है, और इसलिए देश की जनता स्थिर सरकार चाहती है, मजबूत सरकार चाहती है। और ये बात किसी एक राज्य में सीमित नहीं है, हिंदुस्तान के हर कोने में ये मिजाज है। और इसलिए 23 तारीख को नतीजे आएंगे और मोदी सरकार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार का पीएम गठबंधन तय करेगा। जरा सुन लीजिए अखिलेश यादव की बात भी और विपक्ष के बाकी नेताओं की बात भी। तो ये हमारे 180 डिग्री वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जो कहते हैं उसका जस्ट अपोजिट करते हैं। महागठबंधन, नई सरकार, नया प्रधानमंत्री देने जा रहा है। प्रधानमंत्री कौन होगा, आप या मायावती जी? उत्तर प्रदेश से नया प्रधानमंत्री बनेगा। इधर 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 उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। काफिला लुटा जा रहा है, आप किसी और की बात कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रही हैं। प्रधानमंत्री हैं, शक्तिशाली हैं, बहुत बड़प्पन और अहंकार है आप में, तो ये बताइए ना कि इतनी सत्ता लेकर, इतनी शक्ति लेकर आप क्यों नहीं सुलझा पा रहे हैं इस देश की समस्याएं? हाल ही में एक किसान सम्मान योजना निकाली है भाजपाइयों ने, 2-2 हजार किसी किसी के खाते में भी डाल दिए, 15 लाख कहे थे, ठीक है चुनाव आ रहे हैं 5 साल के लिए, आपने 15 लाख नहीं दिए, 2-2 हजार दे दिए।
मैंने सुना पिछले हफ्ते कि वो 2,000 भी वापस लिए जा रहे हैं। पांच चरण के चुनाव हो चुके हैं, उन्होंने बता दिया है, उन्होंने ये बता दिया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी साफ हो रही है, बीजेपी साफ हो रही है। और मुझे तो अब पूरा भरोसा ये है कि बाकी राज्यों में भी लगभग ऐसी रिपोर्ट मिल रही है, तो वहाँ पे जो रीजनल पार्टीज हैं उनकी भी अच्छी रिपोर्ट मिल रही है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस बार केंद्र में मुझे ऐसा लगता है कि श्री नरेंद्र मोदी अब वापिस आने वाले नहीं है, इनके अच्छे दिन लग गए और पूरे ही दिन इनके। तो सुन लिया आपने विपक्ष के नेताओं को भी और प्रधानमंत्री के दावे को भी, वो कह रहे हैं अब की बार मोदी सरकार, और विपक्ष कह रहा है कि अब तो सुपड़ा साफ होने की तैयारी कीजिए, सामान बांधने की तैयारी कीजिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए संबित पात्रा, आज हमारे साथ हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए यहां दिल्ली के रामलीला मैदान में। स्वागत कीजिए सुरेंद्र राजपूत का, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आ चुके हैं। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन का आज पक्ष रखेंगे, और अजय आलोक जेडीयू के नेता पटना से खास तौर पर आज दंगल का हिस्सा बन रहे हैं यहां दिल्ली में रामलीला मैदान में आकर। स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ अजय आलोक का भी। सबसे पहले संबित पात्रा, प्रधानमंत्री कहते हैं अब की बार फिर से मोदी सरकार, ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस? ये कॉन्फिडेंस है। आप याद करिए, जहां तक ये जो नरेटिव और ये जो विमर्श है, 2013 में जनता से यही विपक्ष के लोग कहते थे मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा, ये प्रधानमंत्री कैसे बनेगा, पहले नाम तो घोषित तो हो, देखा जाएगा। 2013 में नाम भी घोषित हो गया, अच्छा तो क्या हो गया, नाम घोषित हो गया, एक बार चुनाव लड़के तो दिखाए, कहीं से जीत के तो दिखाए, बनारस से जीत के भी दिखा दिया, अच्छा कोई बात नहीं है, प्रधानमंत्री बन के दिखाए, प्रधानमंत्री भी बन के दिखा दिया, उसके बाद हरियाणा में जीत के दिखाए, महाराष्ट्र में जीत के दिखाए, त्रिपुरा में जीत के दिखाए, हर जगह जीत के दिखाया है। उस समय भी कॉन्फिडेंस था, आज भी कॉन्फिडेंस था, आज भी कॉन्फिडेंस है, उस समय था अब की बार मोदी सरकार, इस बार है फिर एक बार मोदी सरकार। मैं कहता हूं कम से कम हमारे पास एक बार मोदी सरकार नाम तो है। मैं आज पूछता हूं अपने विपक्षियों से, यह बताए किसकी सरकार, किसकी सरकार, किसकी सरकार? बोलिए राजपूत जी, किसकी सरकार, जवाब दीजिए। रोहित भाई, एक बात मैंने बोली नहीं, आगे बोलूंगा जी, कि तब जब आए थे तो पहली बार आए थे, अब की बार जब आए हैं तो अपने काम का जवाब, उसका हिसाब भी देना है, इसलिए वो आसानी नहीं होगी जो पिछली बार थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात रोहित भाई आपने कही। सच्चाई ये है कि ये अभिमान बोल रहा है, भाजपा बोल रही है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक चीज तो तय है कि इस बार जो है वो जनता की सरकार है और किसी की सरकार है नहीं। पिछली बार जनता की नहीं थी क्या? बिल्कुल, ये खुद ही कह रहे हैं मोदी सरकार, हमने थोड़ी कहा, ये कह रहे हैं मोदी सरकार, अब की बार फिर मोदी सरकार, हम कह रहे हैं अब की बार जनता की सरकार, जनता की आकांक्षाओं की अपेक्षाओं की सरकार। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि 2014 तक हमें अपने कर्मों का हिसाब देना था, शायद हम पूरे नहीं दे पाए, 44 में सिमट गए। 2014 से 2019 में इनको अपने कर्मों का हिसाब देना है, इन्हें बताना पड़ेगा कि नोटबंदी पर ये चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि 4,70,00,000 नौकरियां एनएसएसओ बोल रहा है कि छीन ली इन लोगों ने, डकैती मार ली, चोरी कर ली, 5 किलो यूरिया का कट्टे में से खाद इन्होंने चोरी कर ली, ये बताएंगे? हम थोड़ी बताएंगे, पहले हमें बताना था, अब ये बताएंगे। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि 2014 से 2019 वाली जो जुमलेबाजों की सरकार है, एक एक झूठ, एक एक छल, एक एक जनता के साथ किया हुआ प्रपंच, जनता पूरी तरीके से इनको बताएगी। अभी संबित भाई असल बात, आधी चीजें भूल जाते हैं, ये दिल्ली जिस जगह पे बैठे हैं यहां किसकी सरकार, बिहार में जनता ने किसकी सरकार दी थी, बंगाल में किसकी सरकार, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार, तेलंगाना में किसकी सरकार, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार, पंजाब में किसकी सरकार, राजस्थान में किसकी सरकार? सच्चाई ये है संबित भाई, आज जो है जनता आपको लगातार हराती जा रही है। सारे उपचुनाव में 283 जीत के आए थे, 270 रह गए। आने वाले समय में याद कीजिएगा, इस बार जनता की सरकार होगी और सब मिलीजुली सरकार होगी। ठीक, अजय आलोक, क्यों फिर एक बार मोदी सरकार, आप लोग नारा लगा रहे हैं फिर एक बार मोदी सरकार? देखिए रोहित जी, अभी प्रियंका गांधी का एक बाइट चल रहा था, कह रही थी तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कारवा क्यों लुटा, तो भाई ये सवाल तो सबसे पहले राहुल गांधी से पूछ लेती प्रियंका जी, जवाब मिल जाता कि इधर उधर की बात मत कर, कांग्रेस कितनी थी, 413 से 44 पे कैसे आ गई, तो पहले तो आत्ममंथन वहां होना चाहिए। मोदी सरकार इसलिए इस बार क्योंकि जनता की यही पुकार, फिर एक बार मोदी सरकार,
सरकार अपने हाथ में तो है नहीं ना कि हमने बना ली, जनता वोट देगी तभी मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और जनमानस का मन है कि परिवार तंत्र से मुक्ति चाहिए, लोकतंत्र में आस्था चाहिए। तो लोकतंत्र में अगर आस्था है जनमानस की तो वापस मोदी जी को चुन के आएंगे। हम तो ये कहते हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं, 5 साल उन्होंने भी काम किया, मोदी जी ने काम किया, जनता ने देखा है, सतह पे काम उतरा है, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, पूरा विश्व ने देखा है। तो मोदी जी को चुन के लाना भारत की जनता का काम है, न कि हमारा, न कि कांग्रेसियों का। और सबसे बड़ी बात, परिवार का राज चाहिए देश में या देश में आप लोग का अपना राज चाहिए, ये आप लोग को तय करना है। और जनता हमारी बहुत महान है, इसलिए किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों मोदी चाहिए। रोड पे जाइए, पूछिए तंगे वाले से, रिक्शे वाले से, वो भी कहेगा मोदी जी। कांग्रेसियों से भी पूछिए, वोट नहीं देंगे लेकिन कहेंगे आ जाएगा मोदी, क्या करें, मजबूरी। राजकुमार भाटी जी, अखिलेश यादव तो नहीं कह रहे हैं कि आ जाएगा मोदी, वो तो कह रहे हैं कि हमारा पीएम बनेगा गठबंधन का, और ये भी नहीं कह रहे कि मैं बनूंगा या मेरे पिताजी बनेंगे। निगेमा कुछ निजामे गुलसिता कुछ और कहता है, चमन का हाल कुछ है बागवा कुछ और कहता है, बता मस्जिद की या मैं कदे की बात सच मानूं, ए वाइज तू यहाँ कुछ और वहाँ कुछ और कहता है। जब हम दिल्ली और नोएडा की डिबेट देखते हैं, जब बाजार के अंदर देखते हैं मोदी मोदी मोदी, तो ऐसा लगता है देश में कुछ और है ही नहीं। लेकिन जब हम थोड़ा आगे निकलते हैं, देहात में जाते हैं, इंटीरियर में जाते हैं, दूर दराज के गाँव कस्बों में जाते हैं, तो साफ दिखाई देता है कि मोदी जी जा रहे हैं। इनके अब ये वहाँ पर जो मथुरा में हेमा मालिनी एक सुपरस्टार रही हैं और आज भी लोकप्रिय हैं, बहुत लोग पसंद करते हैं। हेमा मालिनी के समर्थन में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सभा करने पहुँचते हैं, 2/3 कुर्सियाँ खाली रह जाती हैं। कल किरण खैर के परसों समर्थन में सभा करने के लिए अनुपम खैर गए, 10 कुर्सियाँ नहीं भरी हुई थी, जाके गाड़ी से उतरे, खाली कुर्सियाँ देखी, वापिस चले आए। एक और वीडियो आपने सबने देखा हो, सोशल मीडिया पे चल रहा है, मेन मीडिया पे भी चल रहा है, मेन स्ट्रीम में भी, चैनलों पे भी चला है। उनसे सवाल किया, एक दुकानदार ने वोट मांगते घूम रहे थे अनुपम खैर जी, उन्होंने कहा 2014 का घोषणा पत्र बीजेपी का, मुझे ये बता दो इनमें से कौन सा वादा पूरा हुआ है। अनुपम खैर वापिस भाग लिए तुरंत। तो इनके पास जवाब नहीं बन रहा है, जवाब देते नहीं बन रहा है, झूठ और जुमलों की सरकार। सन्नी देओल को लाए पाकिस्तान से लड़ाने के लिए। सन्नी देओल से जब पत्रकारों ने यह पूछा कि बालाकोट स्ट्राइक के बारे में आपका क्या विचार है, बोला क्या बालाकोट, मुझे नहीं पता क्या बालाकोट, मैं तो जीतने के लिए आया हूं, मुझे बालाकोट से कुछ लेना देना नहीं। ये ऐसे लोगों से लड़ाई लड़वाएंगे। वो स्मृति ईरानी वह अमेठी में आग लग गई किसानों के खेत में, तो वो हैंडपंप खींच रही थी उससे आग बुझा रही थी। अरे आप सरकार के प्रतिनिधि हो, केंद्रीय मंत्री हो, फोन करते फायर ब्रिगेड की 100 गाड़ी तुरंत पहुंचती, आग पे काबू पाती। आप ड्रामा कर रहे हो, नाटक करते हुए आपकी जिंदगी चलेगी, आप आज भी नाटक कर रहे हो। तो केवल जुमलेबाजी, नाटकबाजी, ड्रामेबाजी, झूठ और विपक्ष का मजाक उड़ाना और अहंकार की बात करना, इसके अलावा बीजेपी के पास कोई उपलब्धि नहीं है। ठीक, संबित पात्रा जवाब दें, उसके पहले एक चीज बता देता हूं, कहीं और जाके ये मत कहिएगा कि दंगल में भी कुर्सियां खाली थी, क्योंकि दंगल देश का नंबर वन शो है, कुर्सियां भले खाली हो, सब दर्शक टीवी से चिपके हैं। निसंकोच, हाँ। निसंकोच आपका नंबर एक शो, आपको खाली कुर्सी, ये तो लोगों को सूचना नहीं मिली होगी, थोड़ा कोने में आपने कर लिया। नहीं नहीं, मैंने कहा फिर भी नोट करा दूं कम से कम, हमारी खाली कुर्सियां नोट करके मत बोलिएगा जाके। दंगल का एक एक दर्शक 600 के बराबर। संबित पात्रा दीजिए जवाब उनको कि अहंकार ज्यादा है, आत्मविश्वास से ज्यादा अहंकार भारी है। देखिए, इन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी पहले भी नाटक करती थी और अभी भी नाटक कर रही है। मैं आज आपको बताता हूं, एक तो किसी महिला के लिए यह कहना कि वो पहले नाटक करती थी और अब नाटक कर रही है, ये उचित नहीं है। मगर मैं सर, मैं बीच में नहीं बोला, सर मैं बीच में नहीं बोला, आराम से सर, आराम से आपके बीच में नहीं बोला। रुक जाइए सर, आजम खान की तरह मत करिए, आजम खान की तरह मत करिए, रुक जाइए सर। सर देखिए, महिलाओं के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना ये इनके डीएनए में है। आजम खान, जयप्रदा, फिर शुरू हो गए सर। अरे किसी साधारण महिला के लिए नहीं कह रहा, हम एमपी का चुनाव लड़ रही है, केंद्रीय मंत्री। हाँ, जयप्रदा भी साधारण महिला नहीं है, एमपी की चुनाव लड़ रही थी, जिनको आजम खान ने किस भाषा में गाली दिया वो हमने सुना है। या तो आप इनको एक मिनट और दे दीजिए, फिर मैं बोल लूंगा। रोहित जी, महिला को आगे करके बाण मत चलाइए, जो महाभारत में हुआ था सिकंडी को खड़ा करके। सर खींच के तो आप ही लाए पहले स्मृति ईरानी पे, आपने 40 सेकंड लगाए, अब वो स्मृति ईरानी से शुरू कर रहे हैं तो आप कह रहे हो कि महिला को आगे क्यों ला रहे हैं। एक एक करके बोल लो ना, आप जवाब दीजिए, वो आपकी बात सुनते रहे, अब आप उनकी सुन लो, आपको अच्छी नहीं लगे उसके बाद आप बोल देना। बोलिए संबित पात्रा, पूरा की देखिए, इन्होंने कहा स्मृति ईरानी नाटक करती थी, अब भी नाटक कर रही है। मैं आज बोल रहा हूँ, इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नाटक कंपनी कोई है तो उसका नाम है गांधी फैमिली।
गांधी फैमिली से बड़ा नाटक एक सेकंड सर मेरे बाद आप ऑब्जेक्शन करिएगा मेरे बाद आप ऑब्जेक्शन करिएगा इस प्रकार से अगर चिल्ला चोट होगी तो हम लोगों का डिबेट नहीं हो पाएगा। पहले सुन लीजिए आप ऑब्जेक्शन अपने समय पे करिएगा। रोहित जी आप देख लीजिए जरा अनुशासन देख लीजिए जरा अपना तथ्य रखिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई समस्या थोड़ी है, आप भी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं। बोलिए। सबसे बड़ी नाटक कंपनी कोई है तो गांधी फैमिली है। क्यों? नाम गांधी भी चुराया हुआ है, उस नाटक कंपनी का नाम भी उन्होंने महात्मा गांधी से लिया हुआ है, अपना नाम नहीं लिखा। और बंधुओं, सूती कपड़े पहनकर देश को कंगाल कैसे बनाना है, देश को लूटना कैसे है, तो यह गांधी परिवार की नाटक कंपनी ने सिद्ध किया है। यह ऐसी नाटक कंपनी है, कल इसी मैदान में खड़े होकर भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक तथ्य लिख रखा था और उस तथ्य का कच्चा चिट्ठा मैं आज तक से निकाल के लाया हूं। INS विराट को टैक्सी बनाकर गांधी परिवार ने 10 दिन की छुट्टी मनाई। मैं आपको बोलता हूं रोहित जी, सेना को किस प्रकार से अपने देश की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ाना है यह मोदी जी से सीखना है। और सेना को और सेना के अंगों को, चाहे वो INS विराट हो चाहे वायुसेना हो, उसको अपने परिवार के लिए किस प्रकार छुट्टी मनाने के लिए इस्तेमाल करना है वो इस नाटक कंपनी से सोचना है और लेकिन सीखना क्या है ना संबित जी, वही नाटक शब्द आपके नेता के लिए प्रयोग होता है तो आप बुरा मानते हैं, दूसरे नेताओं के पूरे परिवार को आप नाटक परिवार कह देते हैं। तो किसने शुरू किया? स्मृति ईरानी नाटक वाली है, किसने शुरू किया? किसने शुरू किया? या नाटक नाटक बुरा नहीं है, कोई बात नहीं, नाटक बुरा नहीं है, मगर नाचने गाने वाली किसी को कहना, नाटक वाली किसी को कहना, वो भी महिला को, मैं इस पे सख्त ऑब्जेक्शन लेता हूँ। और मैं बिल्कुल मानता हूँ कि गांधी परिवार से बड़ा धोखेबाज और नाटक कंपनी कोई नहीं है। ओके, चलिए सुरेंद्र राजपूत बोलिए अपनी बात, फिर अजय जी बोलेंगे। मेरी बड़ी संबित को मैं बड़ी इज्जत करता था, सच्चाई ले है, मतलब अभी गंवा दी क्या उन्होंने? गंवा दी इन्होंने पूरी तरीके से, गंवा दी अभी यही, हाँ यही सबके सामने, यही पर इतना झूठ, इतना छल, इतना प्रपंच, इतनी नीच और इतने डिबेट करने के बाद ये जान नहीं पाए कि मैं हमेशा सच्चाई बोलता हूँ। एक मिनट, अब संबित जी अब तो कम से कम थोड़ा सा अब इतना तो रखिए, अंग्रेजों के दलाल आज हमको, अच्छा हम अंग्रेजों के दलाल और सोनिया जी का भाषण पढूं कैसे? पढ़ती है सोनिया जी भाषण? अंग्रेजों के दलाल, ठीक है मैं बोलता हूं, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में उंगली तक नहीं कटाई वो शहीदों के परिवार को नाटक कंपनी कह रहे हैं, ये जनता अपने आप में जवाब देगी। INS विराट का सच अभी एडमिरल रामदास ने भी बता दिया और एडमिरल विनोद पसरीचा ने भी बता दिया, अगर इनके पास वो सच नहीं है तो ये झूठे भी हैं, मक्कार भी हैं, अनपढ़ भी हैं और जाहिल भी हैं। आज मैं जाहिल हूँ, अनपढ़ हूँ, बिल्कुल एडमिरल मगर आज तक जाहिल अनपढ़ गवार है क्या? आज तक भी यही स्टोरी चला रहा है, आज तक भी यही स्टोरी चला रहा है। स्टोरी आप अगर सही पढ़ के आए हैं संबित पात्रा, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। आज तक पे भी विनोद पसरीचा ने और क्या नाम एडमिरल रामदास की चिट्ठी अगर आपके पास नहीं है तो मैं दे दूंगा। रही बात नाटक की, राजीव गांधी की शहादत अगर नाटक है तो हम नाटककार हैं, इंदिरा जी की अगर शहादत नाटक है तो हम नाटककार हैं। इनका बता दीजिए ना, पूरी पूरी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पूरी सेना माओवादियों द्वारा मार दी गई, हम नाटककार हैं, यह शहादत है हमारी भारतीय जनता पार्टी की। अंग्रेजों से लेकर के आज तक किसी एक की भी उंगली कटी हो तो बता दे, सच्चाई ये है, सच्चाई ये है। बीच में डिस्ट्रैक्ट मत करो संबित पात्रा, ये तुम्हारे पुराने नाटक ये तुम मत करो, आपको पहली बात है पूरी तरीके से तड़ाक नहीं चलेगा। मैं आपको आप बोलूं, ये गुंडों की बात, मैं आपको वार्निंग देता हूँ, ये तू धड़ाक सुनने में यहाँ नहीं आया हूँ। आप पहले अच्छे लोगों को बुलाइए डिबेट में, ये मवालियों के साथ मैं डिबेट नहीं कर सकता हूँ। निर्लज्ज लोगों को तू धड़ाक करना बंद करे, आज तक मैं खड़ा हूँ। इस तरीके के निर्लज्ज लोगों को, इस तरीके के नीच लोगों से मुझे बात करने की आवश्यकता होती है? तू धड़ाक आप कर रहे हैं। सुरेंद्र जी सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए, तू धड़ाक आप कर रहे हैं। सुन लीजिए ना, पहले तो कहने लगे कि बीच में नहीं बोलना है, उसके बाद बीच में बार बार बोल करके ये कौन सा पर्शियन थिएटर कर रहे हैं? बात तो सुन, कौन सा पर्शियन थिएटर है? बात तो सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, तू तड़ाक मत कीजिए। नहीं नहीं, हम कोई तू तड़ाक नहीं दीजिए, एक दूसरे को आप कह के गाली दीजिए ना, सम्मान के साथ तो दीजिए कम से कम।
पूरी जनता भी देखे कि किस लेवल के आप लोग राजनीति करते हैं। गाली दीजिए आप, ये हमें बात को फिर अजय जी बोलने के लिए, हमें सभ्यता, हमें सभ्यता अंग्रेजों के दलालों से नहीं सीखनी। अगर अंग्रेजों के दलाल ये हैं तो सत्ता की मलाई कांग्रेस ने कैसे खाई? सत्ता की मलाई हर 5 साल में जनता हमको देती थी। नहीं सर, मैं उस समय की पूछ रहा हूं, भारतीय जनता की पूछ रहा हूं, आपने नहीं दी सर। साल में हर वोटरों ने नहीं दी क्या? जी हम वोटरों ने नहीं दी क्या? हर 5 साल वोटरों ने नहीं दी क्या? वोटरों ने नहीं दी क्या? वही मैं कह रहा हूँ, वोटरों ने दी ना सर। वही कह रहा हूँ, हर 5 साल में नहीं दी। आप कैसे नहीं, आपको बोल रहा हूँ, इनको बोल रहा हूँ, पूरी तरीके से हर 5 साल में जनता चुनती थी, कोई राजतंत्र नहीं था सर। अब आप आ जाइए मुद्दे पर, सवाल मुद्दे पर आइए, बिल्कुल आपका खत्म नहीं होने में रहा। अजय जी वेट नहीं, नहीं मुद्दे पर आ जाइए। ये जो नाटक कंपनी की बात कर रहे हैं, बहुत हो गया ना, के पूरे सवालों के जवाब स्किप कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कल पीएम की रैली थी, आज मैं रैली कर लूं यहाँ? ऐसा मत कीजिए, आगे के लिए थोड़ा रखिए, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा। चलिए आ जाइए अजय जी, बोलिए अपनी बात। मानने वाले लोग बोलिए, INS विराट पे इनको मिर्ची लग गई जब प्रधानमंत्री ने कल बताया। चलिए उस बात को जाने देते हैं, प्रधानमंत्री से झूठा आदमी कोई नहीं, आज आप लोग कह रहे हो झूठ बोल रहा है प्रधानमंत्री। ये सबको टोकते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? सच्चाई सुनने की आदत डालिए ना थोड़ी सी। अब ठीक है, इटली की तो बात मानेंगे, भारत की ना माने, इटली की मानेंगे ना? इटालियन पत्रकार ने क्या खुलासा किया सर्जिकल स्ट्राइक पे, एयर स्ट्राइक पे कितने लोग मारे गए और कितने लोग इलाज करवा रहे हैं, उनकी बात मान लीजिए। अब सोनिया गांधी को उनपे तो भरोसा होगा, कांग्रेसियों को उनपे भी भरोसा नहीं होगा क्या? तो बात यह है कि आपने अपने कर्म ऐसे कर लिए हैं, इतने गंदे गंदे कर्म आप कर चुके हैं कि आपको खुद अपनी बातों पे कभी कभी भरोसा नहीं होता है। 60 वर्ष दिए इस देश ने आपको, कहां से कहां पहुंचा देते आप चाहते तो देश को कहां से कहां ले जाते, लेकिन आपके दिमाग में क्या घूम फिर के गांधी परिवार। अरे इन्होंने तो कोई नाम नहीं लिया, इन्होंने सिर्फ गांधी परिवार बोला, आप कैसे समझ गए कि राहुल गांधी के लिए बोल रहे हैं निर्लज्ज? ये गिल्टी कॉन्शियसनेस है ना, ये गिल्टी कॉन्शियसनेस है। इनको कोई भी गांधी बोले पूरे दुनिया में आलोक, जिसका डीएनए ही खराब हो, जिसका डीएनए ही खराब हो, का मतलब एक ही गांधी है, नरेंद्र मोदी सर्टिफाइड डीएनए खराब वाले लोग घोड़े को आगे ये लगा देते हैं, जनता के वही हाल हो गया। हमारे साथ चुनाव लड़के मुद्दा लूट करते हैं बिहार की, नरेंद्र मोदी के मुद्दाहीन ये लोग। बात आज तय हो गई अजय जी, ब्रेक का दबाव है, एक बात लेकिन आज तय हो गई। जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएनए वाला बयान दिया, कांग्रेस साथ में खड़ी थी कि हाय डीएनए को कैसे खराब कह दिया। आज कांग्रेस के नेता मंच पे खड़े होकर कह रहे हैं कि आपका डीएनए खराब है। नरेंद्र मोदी सर्टिफाइड डीएनए खराब है। आज भी साथ में स्कोर लोग सैंपल पड़े हुए हैं। ब्रेक लेकर वापस आते हैं लोगों के बीच में, तो लोगों की बात भी होनी चाहिए, लोगों के सवाल भी लेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं, किससे सवाल पूछना चाहते हैं, उनकी बात होगी एक ब्रेक के बाद। दिल्ली के रामलीला मैदान से दंगल लाइव आप देख रहे हैं, देखते रहिएगा आज तक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, दंगल आप देख रहे हैं दिल्ली के रामलीला मैदान से। हमारे साथ कांग्रेस, बीजेपी, गठबंधन और जेडीयू के नेता आज यहां मंच पर मौजूद हैं। ब्रेक के पहले अजय आलोक, बात चली गई इतिहास में, सवाल यह है कि चुनाव वर्तमान का हो रहा है, संबित पात्रा एक, जब चुनाव वर्तमान का हो रहा है, डीएनए पे जवाब मैं दे दूं उनको? हाँ दे दीजिए। ऐसा था ना कि डीएनए के सही में हमने सैंपल भेजे थे, 50 लाख सैंपल भेजे थे, जब मोदी जी ने नीतीश जी के डीएनए पे कमेंट किया। हाँ हमने सैंपल भेजे टेस्ट करने के लिए, देख लें भाई डीएनए कहाँ किसका है। जो रिपोर्ट आई 80% डीएनए उसमें भारतीय निकले, 15% डीएनए उसमें इटली का निकल गया, 5% पाकिस्तान का निकल गया, इसलिए हमने हाथ जोड़ लिए। अब उम्मीद करता हूँ सारी मंशा खत्म हो गई। डीएनए सैंपल की रिपोर्ट अधिकारी कर दे, ये डीएनए सैंपल की रिपोर्ट 6-8 महीना सरकार चलाने के बाद आई क्या? नहीं, सरकार तो हम चलाते हुए 1.5 साल हो गए वहाँ पे जी। ये रिपोर्ट एक बार सुन लीजिए, कोई भी लड़ाई या कोई भी चढ़ाई, हाँ, भ्रष्टाचार एक हाथ में का कमंडल, एक भ्रष्टाचार का कमंडल लेके आप नहीं चल सकते हैं। जब इनको लालू यादव के भ्रष्टाचार, उनके पुत्र के भ्रष्टाचार के बता रहे, नीतीश गए राहुल के पास, तो राहुल गांधी पीटी खेला रहे थे, उनको भ्रष्टाचार से कोई मतलब रोहित नहीं था। भाई लालू यादव कॉर्डिनेंस फाड़ने वाले, एक बार पूछ लीजिए लालू यादव कॉर्डिनेंस फाड़ने वाले राहुल गांधी, इनका क्या विचार है यादव के गोद में बैठे, पूछ लीजिए। और भ्रष्टाचार पर इनसे पर पूछ लीजिए, और एक साथ में और भी पूछ लीजिए इनसे कि वो डीएनए की रिपोर्ट ऐसी, जैसे संबित भाई लाए हैं यहाँ पर इतने बड़े कागज, वो कागज का कागज भी तो ले आए ना, 80 लाख के डीएनए रिपोर्ट एक बार ले तो आवे कि इनका मैं जो बिहार का अपमान किया है वो तो हमारे कारण को जवाब दे ही नहीं। हो गए नहीं तो अर्थित होने लायक थे ये लोग रोहित, और वापस जीरो हो जाएंगे। ये चीज मुझे समझ नहीं आती, अगर प्रधानमंत्री कहते हैं इनके डीएनए में खोट है तो वो अपमान होता है, लेकिन सुरेंद्र राजपूत कह दे कि इनके डीएनए में खोट है तो वो सम्मान होता है। अरे नहीं, अब तो इन्होंने प्रूफ कर दिया, कारण है, लड़े हमारे साथ, अब उसके बाद
जनता का अपमान कर रहे हैं और जनता का अपमान करके उसके बाद ठगों के साथ, इससे बड़ा नीतीश से बड़ा बिहार का ठग आज तक को न भूतो न भविष्य तो ठीक बोले एक ठग और बिहार पिक्चर बनेगी। ओके संबित पात्रा बोलिए फिर भाटी जी बोलेंगे। मैंने सब पॉइंट लिख लिए हैं और कागज भी लेके आया हूँ तो डीएनए का खुलासा करता हूँ। पहला, इन्होंने कहा कि हम लोग अंग्रेजों के एजेंट हैं, ये बीजेपी वाले सब हम अंग्रेजों के एजेंट हैं, दलाल हैं, एजेंट हैं, हम अंग्रेज ही हैं। ये सोनिया गांधी जी झुमरी तलैया से लड़ रही थी हमारे स्वतंत्रता के लिए, कहां से लड़ रही थी? अरे आप बताइए मित्रों, आप रुक जाइए कुछ भी उम्र हो, नहीं आप पहले इनको रोकिए, इस प्रकार से डिबेट नहीं हो। देखिए रोहित जी, मेरी भी आवाज है, मैं भी नॉन स्टॉप बोल सकता हूँ, डिबेट खराब हो सकता है आपका। रोहित जी इसका अर्थ ये नहीं है, रोहित जी आप इनको विनती करते हो, ऐसे नहीं होता है रोहित जी, डिबेट को स्वीकार में रहिए, इस प्रकार से लड़के डिबेट नहीं होगा। हम सुनेंगे इनको, हम सुनेंगे इनको, जनता के सवाल लो, उसके पहले एक चीज आप लोग सुन लीजिए ध्यान से। आप लोग कहे को रोहित जी, रोहित जी आप डिबेट करवाना है करवाइए, नहीं करवाना है कोई बात नहीं, आपको भी बता रहे हैं भैया, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इनकी बात सुनूंगा, ये हमारे बात नहीं सुनेंगे, आपसे कंट्रोल नहीं होगा, छोड़ दीजिए कंट्रोल करना। पिताजी लड़े थे क्या? सुनिए तो सुन लीजिए ना, राहुल के बाबा तो लड़े थे, नरेंद्र मोदी के पिताजी लड़े थे क्या? बात तो सुन लीजिए सर, बाबा तो हमारे भी लड़े थे, बाबा इनके भी लड़े थे, बाबा इनके भी लड़े थे, सोनिया गांधी का नाम क्यों आता है सारी देश की? सोनिया गांधी का नाम क्यों आता है? आएंगे और दूसरे को बोलने भी नहीं देंगे, उसके बाद आप पहले बोल लीजिए, पिताजी लड़े थे या नहीं लड़े थे, नहीं देंगे दूसरे को, नहीं तो ठीक है फिर चिल्ला लीजिए, बताइए नरेंद्र मोदी के पिताजी लड़े थे क्या? चिल्ला लीजिए, मैं चिल्ला लीजिए फिर, या तो आप बुरा मानना बंद कीजिए कि जैसे ही राहुल गांधी का नाम आएगा मैं चिल्लाने लगूंगा, जैसे ही सोनिया गांधी का नाम आएगा मैं चिल्लाने लगूंगा, ऐसा मत कीजिए। राहुल गांधी सोनिया गांधी मतलब आपकी पार्टी, और आपकी पार्टी पे तो सवाल होगा ही, आप चुनाव लड़ रहे हैं मैदान में, मुझे कोई भाई थोड़ी ना बैठे कि रोहित भाई इस प्रकार से रहे, रोहित भाई इस प्रकार से रहे, बोलूंगा क्यों नहीं बोलूंगा, भगवान ने क्या सुना कर लीजिए, भगवान ने क्या नहीं बोलूंगा, आपने मोदी के पिताजी का बता दो ना, मोदी जी का अंतर सवार किया थे, आपने कहा कि हम आइए ना कि सुपर संग्राम में लड़े थे, अमित शाह के पिताजी की सुपर संग्राम में लड़े थे, इनको रोकिए, उसके बाद डिबेट आगे बढ़ेगी, इस प्रकार डिबेट नहीं होता है, हमारा आधिकारिक सवाल है, पहले सवाल है हमारा, नरेंद्र मोदी जी के पिताजी अगर लड़े हो, स्वर्गीय दामोदर दास जी, अमित शाह के पिताजी लड़े हो, रोहित जी इसमें कौन सा नाम नहीं जानता हूं, सुन लीजिए सुरेश जी, सुन लीजिए, अब वो पूछ देंगे सोनिया जी के पिताजी लड़े थे तो कहां से ढूंढ के लाएंगे फिर, वो बिल्कुल नहीं, इसके पिताजी को कहां से ढूंढ के लाएंगे, मैं बताता हूं, वर्तमान पे रहिए, मैं बार-बार कह रहा हूं, सब जानते हैं, बार-बार कह रहा हूं, वर्तमान पे रहिए, मुद्दे की बात पे रहिए, दूसरे यहां से आप लोग घुमाने के मास्टर, मैं जानता हूं, लेकिन घुमाने में उतना ही घुमाइए जितने में सम्मान बाकी रहे, इज्जत गवा के मत जाइए यहां से, सभी पात्र बात पूरी कीजिए फिर भाटी जी बोले, अभी शांत रहे और आप चाहे तो आराम से बात करें, थोड़ा सुन लीजिए बोलिए। देखिए रोहित जी, इन्होंने हमें क्या क्या नहीं कहा, इन्होंने आपके सामने हमें कहा कि हम अंग्रेजों के दलाल हैं, हम अंग्रेज हैं, और हमारे नेताओं के खिलाफ सब कुछ कहा। मैं तो बहुत प्यार से पूछ रहा हूं कि सोनिया जी, उनके पिताश्री, उनके दादाश्री, उनके घर वाले कौन से हिंदुस्तान के जिले से हिंदुस्तान की स्वतंत्रता की संग्राम की लड़ाई लड़ रहे थे? और मैं, आप यहां बैठी जनता जानती है, सोनिया जी को इटली में लिख के दिया जाता है तब वो जाके हिंदी पढ़ पाती है, और मैं अंग्रेज हूं और सोनिया गांधी हिंदुस्तानी है। अरे धिक्कार है तुम जैसे इटली के दलालों को। दूसरी बात, इन्होंने कहा, सुन लीजिए, सुन बिल्कुल भाषा ठीक है, इटली के दलालों का ऐसा ही जवाब मिलेगा, सुन लीजिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मैं जाहिल हूं, वो जो INS विराट वाली बात, अब मैं आपके सामने कुछ बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं। ये जो कागज मैं लेके आया हूं, ये 31 जनवरी 1988 को इंडिया टुडे में अनीता प्रताप आप ही की करेस्पोंडेंट ने लिखा है, 10 कल है, और इस पूरे जिसको कल प्रधानमंत्री जी ने कहा उसका पहला खुलासा इंडिया टुडे ने किया है, पूरे डिटेल में कैसे INS विराट को एक होटल के रूप में गांधी परिवार ने इटालियंस के सामने, और क्या लिखा है पता है, दिल्ली से राजीव गांधी शराब लेके गए, अनीता प्रताप ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, अनीता प्रताप जाहिल है, गवार है, इंडिया टुडे अनपढ़ है, ये आप डिसाइड कर लीजिए, मैं इंडिया टुडे और आज तक को बड़ा मानता हूं। आपको याद दिला देता हूं, इन्होंने दो जिक्र किए, दो अधिकारियों के नाम लेते हुए उन्होंने बताया, और उन अधिकारियों ने एक बात साफ रख दी है कि क्योंकि प्रधानमंत्री वहां थे तो INS विराट पर छुट्टी नहीं मना रहे थे, INS विराट सुरक्षा के लिहाज से वहां पर तैनात था। आप उनकी बात को मानते हैं या नहीं मानते? मैं बताता हूं,
अभी मैंने जेटली साहब, जो कमांडर जेटली, जो कि आईएनएस विराट में कमांडर के रूप में उस समय तैनात थे, उनके न्यूज को देखा है, उनके बाइट को सुना है। उन्होंने कहा है कि राजीव जी अपने परिवार के साथ आईएनएस विराट में थे, एक एडमिरल का कमरा उनके और सोनिया जी के लिए खाली कराया गया था। आप बताइए ये कौन सी सुरक्षा है? सोनिया जी और बच्चों को राहुल गांधी, प्रियंका, बाकी भी जो इटली से सास ससुर नहीं सास जी आई हुई थी, ब्रदर इन लॉ आए हुए थे, ये सब कौन सी सुरक्षा कर रहे थे हिंदुस्तान की? आप बताइए। नहीं नहीं, सोनिया जी की, ये राजीव जी की सास, सोनिया जी की माँ, ये क्या सर्जिकल स्ट्राइक करने आई थी यहाँ पे? सर्जिकल स्ट्राइक करने आई थी यहाँ पे? आप बताइए, सास क्या कर रहे हैं? आप पात्रा जी जवाब सुन लीजिएगा। रोहित भाई बोलिए, फिर भाटी जी, सॉरी, है कि उस समय जो कैप्टन था शिप का वो थे पसरीचा साहब। उन्होंने दो बातें कही और उस समय वहां के कमांडिंग ऑफिसर थे वेस्टर्न कमांड के जनरल रामदास, एडमिरल रामदास। दोनों की चिट्ठियां आपके सामने हैं, आपके अखबार में हैं, आपके न्यूज चैनल पर हैं, उनको पढ़ लीजिए। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा, नंबर एक, उस शिप पर, वो शिप सुरक्षा के लिए था, उस शिप पर राजीव गांधी और उनके परिवार के अलावा कोई विदेशी नहीं था। एक इन्होंने कहा, नंबर एक, कोई भी फॉरेनर नहीं था वहां पर। यह बात उन्होंने कही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अगर ये देश की सेना का अपमान करना चाहते हैं तो ये अपमान कर सकते हैं। वहां ना उनकी सास थी, उनकी पत्नी श्रीमती सोनिया गांधी और दोनों बच्चे, उसके अलावा कोई नहीं था। और वो बच्चे और वो बिल्कुल ऑफिशियल हैं, ऑफिशियल शेड्यूल, ऑफिशियल हैं, नंबर एक, पूरा परिवार। अगर ये देश के सेना के शौर्य का अपमान करना चाहते हैं और ये इस समय पाकिस्तानी आतंकवादियों की मदद करना चाहते हैं, ये पाकिस्तान के आतंकवादियों की मदद करना चाहते हैं, तो ये संबित पात्रा और भाजपा कर सकती है। और आज को मैं बताऊं, 2016 में अक्षय कुमार को लेकर के क्या कर रहे थे जरा प्रधानमंत्री, वो भी बता दें। बंबई के पास में आप बता दीजिए जी, बताइए, पूछे ना, बताए तो क्या कर रहे थे? अक्षय कुमार के बच्चे के कान, अच्छा, किस युद्ध पोत में खींच रहे थे जरा बताएं? अच्छा, हाँ बिल्कुल, पूरी तरीके से, अगर वो भी चाहिए तो वो भी दे दूंगा। इस तरीके की बातें सेना के शौर्य का अपमान मत कीजिए। लाया हूँ, लाए तो दिखाइए ना फिर, कि क्या क्या कर रहे थे अक्षय कुमार के बेटे के साथ, और कौन से युद्धपोत पर प्रधानमंत्री अक्षय कुमार को घुमाने ले गए थे, बताइए। तब तक भाटी जी अपनी बात कर ले, आप ढूंढ लीजिए इंटरनेट पर। बोलिए भाटी जी, राहुल जी लोगों को, क्या आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा महसूस तो नहीं हो रहा कि यूपी का चुनाव भले ही 7 चरण में हो, लेकिन जब इस तरह की बातें होती है तो आप लोग आउट हो जाते हैं गेम से? नहीं, हम आउट नहीं होते, पूरा देश आउट हो जाता है। अब ये आईएनएस विक्रांत या विराट, क्या था नाम उसका, उससे देश के, देखिए, हमने एक, हमें एक आर्किटेक्चर की जरूरत थी जो देश का निर्माण कर सके, देश का भविष्य बना सके, देश के युवाओं का भविष्य बना सके। हमें एक वो कुदाली लिए हुए इतिहासकार मिल गए, जमीन को खोदते घूम रहे हैं जगह जगह से, कहां क्या निकला है। मैं भाई संबित पात्रा को तो छोटे छोटे सुझाव देना चाहता हूं। ये अक्सर एक शब्द बोलते हैं डिबेट में और वो बहुत ही अश्लील शब्द है। मेरा निवेदन है कि कृपया, पूरा देश आपको सुनता है, मैं उसे दोहरा नहीं सकता। नहीं बताइए ना, आजम खान वाला, आप क्या करें, आप रिवाइंड करके सुनेंगे तो बहुत ही अश्लील। आप रिवाइंड करिए, अभी आपने बोला थोड़ी, रिवाइंड करिए ना, वो चिल्ला चिल्ला करके कुछ चिल्ला के आगे कुछ लगाते हैं। कौन सा चिल्ला चिल्ला, वो बहुत, मैं तो बोलता हूँ सोनिया जी कौन से जिले से भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रही थी, और मैं बार बार पूछूंगा, अगर मैं अंग्रेज हूँ दूसरा आपको टोकता तो आपको खराब लगता है। बोलिए बोलिए, पूरा दूसरा मेरा निवेदन है भाई के नाते कि दोगला रवैया ना अपनाएं। मैंने स्मृति ईरानी का नाम ले दिया तो महिलाओं का अपमान हो गया। ये सवाल तो मैंने पूछ दिया सर। और नहीं, इन्होंने सोनिया गांधी का कितना अपमानजनक तरीके से पूछा मैंने, उनकी माँ का भी नाम लिया, ये महिलाओं का सोनिया जी का माँ का नाम गाली है क्या? दोगला रवैया, सोनिया जी का माँ का नाम क्या खराब है? और अभी बीच बीच में टोके जा रहे हैं, जब क्यों नहीं लेंगे सोनिया जी के माँ का? अभी क्यों नहीं लेंगे? चलिए, मैं ये कहना चाहता हूँ रोहित जी, बहुत जिम्मेदारी के साथ, इस देश का नौजवान बेरोजगार है, देश में भुखमरी बढ़ी है, देश में महंगाई बढ़ी है, देश में बेरोजगारी बढ़ी है, देश की अर्थव्यवस्था खराब हुई है, देश में कर्जा बढ़ गया है। इन बातों का जवाब इन्हें देने चाहिए। आईएनएस विराट में क्या हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण जनता के लिए नहीं है। 20 साल 30 साल, अजय जी पहले बोल रहे, उसके बाद मैं जनता के सवाल ले रहा हूँ। बोलिए अजय जी। देखिए, इस देश का जनमानस ये जान चुका है कि कांग्रेस पार्टी और महाठगबंधन के लोग बौखला गए हैं और एकदम अपनी अर्धमूर्छित की स्थिति है, भी बौखलाया हुआ है, अर्धमूर्छा की स्थिति है। मैं एक उदाहरण देता हूं, अहमद पटेल जी ये भी बौखलाया हुआ, आज गाहे बगाहे में जल्दबाजी में बोल गए कि 1991 में राजीव गांधी की सुरक्षा हटाई थी वीपी सिंह सरकार ने, इसलिए उनकी हत्या होगी। 91 में चंद्रशेखर की सरकार थी, कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी, ये भी भूल जाते हैं। अरे समस्या इनकी ये है कि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। मोदी को हराओ कैसे, मोदी को हटाओ कैसे, इसका नैरेटिव करने में इन्होंने 5 साल निकाल दिए। संसद नहीं चलने दी, आप गवाह हैं।
आप ये सोचिए, मैं इनके लिए एक ही कहूंगा, उम्र निकल गई आपकी हमें अक्स ढूंढने में, इतने में खुद को संभाल लेते ना तो खुदा बन जाते राहुल गांधी। ठीक, बोलिए जल्दी क्या सवाल है आपका छोटा सा। जी आपसे मेरा एक सवाल है, मोदी जी हर रैली में विकास बेरोजगार पे क्यों नहीं लड़ते हैं? कि हर रैली के अंदर आर्मी पाकिस्तान को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, हम आर्मी के हर रैली के अंदर वो आर्मी का ही नाम लेते हैं, क्यों विकास पर क्यों नहीं लड़ते भाई, सेना के नाम पर क्यों लड़ते? मोदी जी एक दो सवाल लेने फिर जवाब दीजिएगा। बोलिए, दक्षिण दिल्ली में आपके कुछ कार्यकर्ता एक नारा लगाए हैं, मोदी तुमसे बैर नहीं, रमेश बिदुड़ी तेरी खैर नहीं, आखिर ऐसा नारा क्यों लग रहा है? पूर्वांचल वासी उनसे नाराज क्यों है सर? इस पे जवाब जाता हूं। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है, मैंने ये पूछना चाह रहा हूं कि जब मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार थी तो उन्होंने भारतीय सेना को मजबूत बनाने के लिए ऐसा क्या कदम उठाया जिससे वो मोदी सरकार कंपेयर कर सके? जल्दी से आगे से भी एक दो सवाल लेते हैं, उसके बाद बोलिएगा। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए। कांग्रेस से ये सवाल है कि सर आज आप कह रहे हैं कि एक प्रसेशन क्रिएट किया गया है कि मोदी अपने आप को मोदी की सरकार है, तो 1975 में जब आपके देवकांत बरुआ उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उन्होंने यहां तक कहा था कि इंडिया ही जिंदा इंदिरा ही जिंदिया, तो इसको क्यों भूल जाते हैं? जल्दी से बोलिए फटाफट क्या बोलना चाहते हैं? मैं कांग्रेस के मानों से पूछना चाहता हूं कि जो पीछे सरकार थी इनकी 2010 से और 2014 तक, ठीक है, तो उसके अंदर इन्होंने किसानों के से ये दाल और तिलहन कितना खरीदा, और हमारे मोदी जी ने जो खरीदा है उसका जो डिफरेंस बता दीजिए। इन्होंने जो खरीदा था 7 लाख टन मीट्रिक टन खरीदा था, और ये मोदी की सरकार 5 साल के अंदर 94 लाख टन मीट्रिक टन खरीदा गया है। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? रोहित जी मेरा सवाल जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से है, क्योंकि वो सबसे पुराने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी गंभीरता को लेके है, आरोपों को और वायदों को भी। उदाहरण के तौर पे आप जो है वायदे कर रहे हैं कि हम 72,000 रुपए पर ईयर जो है देंगे, क्या ये संभव है हमारी इकोनॉमी के साइज को देखते हुए? नंबर एक। नंबर दो, आरोप आप लगाते हैं उदाहरण के तौर पे कि देश के संस्थान जो है सब बर्बाद किए जा रहे हैं। आप सीबीआई के डायरेक्टर के चुनाव को लेके आपने जो सुप्रीम कोर्ट आप गए, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के प्रोसीजर लैप्स पे जो फैसला सुना दिया, उसके बाद वही कमेटी ये डिसाइड करती है जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज भी होते हैं कि मतलब उनका निष्कासन ठीक है, तो आप इस तरह का आचरण क्यों अपनाते हैं? अश्वत्थामा मारा गया उसके बाद शंख बजाते हैं। सर इनसे पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से कि ये हमेशा बोलते हैं शहीद शहीद, राजीव गांधी शहीद नहीं हुए, उनको बम से उड़ाया गया, बाकी जो लोग बम ब्लास्ट में मारे गए ट्रेन में और बाकी जगहों पे और टेररिस्ट एक्टिविटीज में, उनको ये क्या कहेंगे? उनको शहीद नहीं कहेंगे? और हमेशा इन्होंने शहीदों का जो है अपमान ही किया है। क्या कांग्रेस को अभी याद आ रही है गरीबों की? इतने साल से याद नहीं आई जो इनको पैसे देने की जरूरत पड़ रही है? मोदी जी जो की 18 घंटे काम करते हैं। ठीक, बोलिए आखिरी कमेंट जल्दी। मेरा सवाल न्याय योजना से जुड़ा हुआ है। आजादी के बाद से अब तक गरीबी हटाओ अन्य प्रकार से आप लोग देते रहे। मेरा सवाल यह है कि क्या ये न्याय योजना भी गरीबी हटाओ का नया नाम तो नहीं है? ठीक, बोलिए जल्दी से, दो कमेंट लास्ट में लूंगा। सुरेंद्र राजपूत कई सारे सवाल आपसे और कुछ संबित पात्र आपसे भी, जल्दी बोलिए सुरेंद्र जी। हाँ देखिए रोहित भाई, बड़े अच्छे सवाल हैं जनता की तरफ से। एक तो न्याय योजना के लिए है। न्याय योजना में हम आपको बहुत स्पष्ट बता दें कि देश के 5 करोड़ सबसे गरीब परिवारों के लिए 72,000 रुपए पर साल हम लोग देंगे। ये हमारा वादा है, नंबर एक। नंबर दो, जो बीपीएल फैमिली जो 12,000 रुपए से कम जिनकी वो है, वो बिल्कुल वो हो जाएगा। जय आलोक जी, चिंता मत कीजिए, हम आपकी तरीके से ठग नहीं। चुनेगा कौन? चुनेगा कौन? नंबर एक। नंबर दो, नंबर दो, 80,000 करोड़ का फ्रॉड हो गया। अब आप बीच में डीएनए खराब वालों की हम क्या बात करें? आप जवाब सुनना नहीं चाहते, असल बात न्याय योजना से घबरा जाते हैं। चलिए सर जल्दी, तो न्याय तो 72,000। और रही बात देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता की, तो भारत सरकार में सिर्फ कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जाके बचाएंगे। जिन्होंने गोवा को भी भारत में विलय कराया, सिक्किम को भी भारत में विलय कराया, आज की डेट में इन लोगों ने तो 320 गांव बांग्लादेश को गिफ्ट कर दिए थे इसी सरकार ने। ये है इनकी वो। जब आप कह रहे हैं हमने गजब का विकास कर दिया, तो चुनाव सेना के नाम पे क्यों लड़ना चाहते हैं? आखिरी कमेंट, समय खत्म हो रहा जल्दी। देखिए पहली बात मैं इतना कहना चाहूंगा, मोदी जी अगर 1 घंटे का भाषण देते हैं उसमें 50 मिनट वो विकास, शौचालय, बाकी महंगाई योजनाओं के विषय में कहते हैं, और 10 मिनट वो नेशनल सिक्योरिटी अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में, जो राजनीति का एक अहम धुरी है, पाकिस्तान को निपटाना, पाकिस्तान को जवाब देना, ये भारतीय जनता पार्टी करती रही है, आगे करते रहेगी। दूसरी बात, 70 सालों तक अगर अन्याय नहीं किया होता ना, तो आज न्याय योजना की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अगर 70 सालों तक इन्होंने
अन्याय आज न्याय न्याय कर रहे होते। और ये बात भारतीय जनता पार्टी और उनके दलालों की है, बिल्कुल सच है। किसने न्याय किया, किसने अन्याय किया, समय समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। दंगल में हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आखिरी पड़ाव पर होंगे। आप देखते रहेगा आज तक, ये बताते हुए कि हल्ला बोल भी आज यहीं दिल्ली के रामलीला मैदान से होगा, जहां आप अपने नेताओं से सवाल पूछ पाए। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।